रजिस्टर में हमारे पास जो नेक्स्ट आया है वो है बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर। अभी तक हमने पैरेलल इन, पैरेलल आउट और इस तरह के देखे, अब इसमें आपके पास सिर्फ शिफ्टिंग है और शिफ्टिंग के मोड्स हैं कि आप जब शिफ्ट करवाएंगे डाटा को तो वो डाटा लेफ्ट शिफ्ट करेगा या राइट की तरफ शिफ्ट करेगा। अब जाहिर है आपके पास मौजूद होंगे फ्लिप फ्लॉप्स की स्ट्रीम्स मौजूद होंगी, तो उसमें अब डाटा किसी भी डाटा बिट का राइट की तरफ या नेक्स्ट की तरफ अपने से अगले वाले या अपने से पिछले वाले जो फ्लिप फ्लॉप उसको तरफ ट्रेवल करने को हम बेसिकली बाई डायरेक्शनल कहेंगे। डाटा दोनों तरफ ट्रेवल करवाया जा सकता है इस बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर के केस में। तो इसमें अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे स्टार्ट में ऑप्शन नजर आ रहे होंगे राइट लेफ्ट, इसका मतलब ये है कि ये आप ये दो इनपुट्स हैं बेसिकली, एक राइट लेफ्ट की है और एक सीरियल इन की है। अगर राइट लेफ्ट को देखो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि डाटा जो है जो ऑलरेडी इस रजिस्टर के अंदर एंटर किया जा चुका है या जो आप एंटर करना चाह रहे हैं वो राइट की तरफ ट्रेवल करेगा एंटर होने के बाद या लेफ्ट की तरफ ट्रेवल करेगा, ठीक है। और इस तरह ये सीरियल इनपुट है, सीरियल डाटा इन के आपने इस शिफ्ट रजिस्टर के अंदर जो डाटा ट्रेवल करना होगा वो सीरियली ट्रांसफर एंटर करना होगा, इसमें पैरेलल का ऑप्शन नहीं है। तो अगर आपके पास चार बिट्स हैं तो चारों बिट्स जो हैं वो सीरियली इन करेंगी, लेकिन किस तरफ से, राइट से या लेफ्ट से, ये डिपेंड करता है। अगर आप देखें तो ये सीरियल डाटा इन का जो टर्मिनल है ये G1 के साथ भी कनेक्टेड है और उसके बाद ये यहाँ से आके ये G8 के साथ भी कनेक्टेड है। अच्छा, अब ये जो राइट और लेफ्ट का ऑपरेशन हमने करवाना है ये बेसिकली हम ये गेटिंग कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं, गेट्स के एक कम्बिनेशन बनाते हैं और उससे हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है जिससे हम कंट्रोल करते हैं। इसमें ये जो G1, G2, G3 और G4 एंड गेट्स नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली वो गेट्स हैं जो कि ट्रैवल करवाएंगे डाटा को राइट की तरफ। जब ये गेट एनेबल होंगे तो ये डाटा को राइट की तरफ ट्रैवल करवाएंगे और जब आपके पास G5, G6, G7 और G8 एंड गेट्स जो हैं ये एनेबल होंगे तो ये डाटा को लेफ्ट की तरफ ट्रैवल करवाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको देखें सीरियल डाटा इन को, अगर आपने कोई डाटा इनपुट इन करवाना है और आपने उसको यहाँ पे डाटा प्रोवाइड कर दिया है ये 0 या 1 जो भी है, अगर आपके पास यहाँ पे 1 मौजूद होगा राइट के ऊपर, क्योंकि ये देखेंगे राइट ऑप्शन जो है वो बार के बगैर है, इसका मतलब है ये है कि ये एक्टिव हाई है। जब आप इस जगह पे हाई प्रोवाइड करेंगे तो राइट की तरफ आपके पास जो मूवमेंट होगी डाटा ट्रांसफर है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ 1 रखेंगे तो ये 1 G1 को मिलेगा और G8 को मिलेगा, लेकिन उस वक्त क्योंकि दोनों में से G1 एक्टिव होगा और G8 जो है वो डीएक्टिवेट होगा, इसलिए डाटा जो है वो G1 से ट्रांसफर होगा और ये राइट की तरफ आगे बढ़ता चला जाएगा जब तक यहाँ पे आप हाई रखेंगे। लेकिन दूसरे केस में अगर आप इसको लो कर देंगे, अब ये देखें लेफ्ट एक्टिव लो है, एक्टिव लो के केस में आपके पास आप जो भी डाटा देंगे वो G5, G6, G7, G8 को एक्टिवेट करेगा और G8 के जरिए से एंटर होके और ये फिर नेक्स्ट ट्रिगर के साथ ये लेफ्ट की तरफ ट्रेवल करता करता इन आउटपुट्स की तरफ आएगा, ठीक है जी। सेम इसकी एक्टिवनेस ऐसे ही है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये नॉट गेट के बाद आपके पास G5 कनेक्टेड है, G6 कनेक्टेड है, G7 कनेक्टेड है, G8 कनेक्टेड है, इसका मतलब ये कि ये लेफ्ट की तरफ डाटा को ट्रैवल करवाएंगे और ये जो राइट लेफ्ट इनपुट है इसमें ये जो ये वाली लाइन है ये जाहिर है अनकम्प्लीमेंटेड है, इसके साथ G1 कनेक्टेड है, G2 कनेक्टेड है, G3 कनेक्टेड है और G4 कनेक्टेड है। इसमें एक और जो तब्दीली की गई है, जाहिर है आपने इस आउटपुट को Q3 को जब Q2 पे अपेयर करवाना है, इसका मतलब ये है कि आपने डाटा लेफ्ट की तरफ मूव करवाना है, तो आउटपुट पे कोई भी इनपुट सिर्फ उस वक्त अपेयर हो सकती है जब आप इस इनपुट को इस फ्लिप फ्लॉप की इनपुट बनाएंगे। ये जो आपके पास Q3 आउटपुट है इसको जब आप इनपुट बनाएंगे इस लाइन के जरिए से Q2 फ्लिप फ्लॉप की, तो जैसे ही आपके पास ये लेफ्ट वाला एक्टिव होगा तो G7 से ये इनपुट यहाँ पे आएगी और Q2 की इनपुट बन जाएगी। इसी तरह Q2 की जो आउटपुट है उसको आपने बेसिकली बैकवाइज G6 के साथ कनेक्टेड किया हुआ है, जाहिर है जब ये लेफ्ट वाला एक्टिव होगा तो ये G6 इस आउटपुट को इसकी इनपुट बना के यहाँ पे Q1 पे अपेयर करवा देगा,
Q1 को हमने अपेयर किया हुआ है यहाँ इस पहले फ्लिप फ्लॉप के साथ, वो इसकी आउटपुट बन जाएगा। तो इस तरह आपके पास ये लेफ्ट की तरफ ट्रेवल कर रहा है, जबकि आप देखें तो Q0 को हमने इसके साथ यहाँ इनपुट दी हुई है, Q1 की इनपुट यहाँ दी हुई है, Q2 की इनपुट हमने यहाँ पे दी हुई है। इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास G1, G2, G3 और G4 के साथ इनपुट्स हैं, ये डाटा को राइट ट्रांसफर करवा रही हैं, और उसके बाद जो आपके पास बैकवर्ड आ रही हैं वो G8, G7 और G6 और G5 जो कि लेफ्ट की तरफ डाटा को ट्रांसफर करवा रही हैं। ठीक है जी, इसके बाद अगर हम इसकी एक एग्जांपल की तरफ आए तो हमें पता चलेगा कि डाटा की शिफ्टिंग कैसे हो रही है। ये एग्जांपल स्टेटमेंट है वो ये है कि डिटरमिन द स्टेट ऑफ द शिफ्ट रजिस्टर ऑफ फिगर, ये जो फिगर दी हुई है इसमें, आफ्टर ईच क्लॉक पल्स फॉर द गिवन राइट लेफ्ट कंट्रोल इनपुट विल फॉर्म इन फिगर ए, और अज्यूम दैट Q0 इज इक्वल टू 1, Q1 इज इक्वल टू 1, Q2 इज इक्वल टू 0, Q3 इज इक्वल टू 1 एंड दैट द सीरियल डाटा इनपुट लाइन इज लो। ऊपर आपने देखा होगा सीरियल डाटा इनपुट लाइन, ये जो G1 और G8 के साथ कनेक्टेड है, ये हमारे पास उसने कहा कि लो है। इसका मतलब यहाँ से जब भी डाटा या राइट ट्रांसफर होगा या लेफ्ट ट्रांसफर होगा आपके पास यहाँ इनपुट जीरो रहेगी। अगर राइट ट्रांसफर होगा तो यहाँ जीरो है तो इसकी आउटपुट जीरो बन जाएगी, अगर लेफ्ट ट्रांसफर होगा तो इसकी आउटपुट जो है वो जीरो हो जाएगी, इसकी आउटपुट ये वाली आउटपुट जो है वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, इसको आपने नशीन रखना। अब इनिशियल आपके पास Q0 की इनपुट 1, Q1 की इनपुट भी 1, Q2 की इनपुट सॉरी आउटपुट्स की मैं बात कर रहा हूँ, आउटपुट 0 और Q3 की आउटपुट भी आपके पास यहाँ पे 0 हो गई है। अब ऊपर देखिए कि हमने इस इनपुट के ऊपर डिपेंड करेगा कि डाटा को लेफ्ट शिफ्ट करवाना है या राइट शिफ्ट करवाना है। अच्छा, अब अगर आप ये देखें ये जो आउटपुट्स हैं ये बेसिकली अपने से अगले वाले या अपने से पिछले वाले फ्लिप फ्लॉप्स की इनपुट्स भी हैं। ये Q0 को देखा जाए तो ये Q1 की इनपुट है, Q1 Q2 की इनपुट है, Q2 Q3 की इनपुट है। इसी तरह बैकवर्ड भी देखा जा सकता है कि ये 1 जो है Q3 जो है Q2 की इनपुट है, जब आप लेफ्ट ट्रेवल करवाएंगे Q2 जो है वो Q1 की इनपुट है और Q1 जो है वो Q0 की इनपुट है। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी कि ये तमाम फ्लिप फ्लॉप आपस में एक दूसरे की इनपुट्स भी हैं, एक दूसरे की वो इनके लेफ्ट और राइट दोनों केसेस में एक दूसरे की ये इनपुट्स है। अब जब पहला ट्रिगर आया यहाँ पे ये राइट है, इसका मतलब हमने राइट ट्रेवल करना है, Q0 को हमने Q1 बनाना है, Q1 को Q2 बनाना है, Q2 को Q3 बनाना है। ये देखे Q1 आपके पास Q0 1 था तो ये 1 आ गया, ये 0 क्यों हो गया, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इसकी इनपुट तो स्टार्ट में ये है सीरियल इन, राइट जब ट्रेवल करवाना है वो हमने 0 रखा हुआ तो इसकी आउटपुट 0 हो गई, इसकी आउटपुट इसकी इनपुट थी तो वो यहाँ आ गई, इसकी आउटपुट इसकी इनपुट थी तो वो यहाँ आ गए, इसकी आउटपुट इसकी इनपुट थी तो वो यहाँ आ गए। ठीक है, अब इसको आप यहाँ पर तस्वीर में देखें, क्योंकि ये डाटा इनपुट लाइन जो सीरियल डाटा वाली वो जीरो थी तो आप ये समझ यहाँ जीरो है, वो जीरो यहाँ आ गया, ये आउटपुट Q1 पे चलेगी, Q1 की आउटपुट Q2 पे चलेगी और Q2 की आउटपुट Q3 पे चलेगी। इस तरह ये राइट की तरफ ट्रांसफर हो गया। अच्छा, अभी तक अगला एज आ गया, अगले एज में फिर आपके पास जो इनपुट डाटा लाइन थी Q0 के लिए जो पहला फ्लिप फ्लॉप था उसकी इनपुट जीरो थी तो ये जीरो आ गया। ठीक है, अब Q1 की इनपुट क्या थी, जो इसकी आउटपुट थी वो ये जीरो यहाँ पे आ गया, Q2 की इनपुट क्या थी 1 वो यहाँ आ गया और Q3 की इनपुट 1 थी वो यहाँ आ गया। ठीक है, तो इस तरह आपने ये डायगोनल को डाटा ट्रांसफर करवाना है नीचे की तरफ। अच्छा, अब क्या हुआ, अब ऊपर में ये आप देखें इनपुट लो हो गई है, इसका मतलब है अब आपके पास जब ये लो हुआ तो लेफ्ट आपके पास शिफ्ट जो है वो एक्टिव लो पे होता है, तो यहाँ पे अब आपके पास लेफ्ट की तरफ शिफ्टिंग हो जाएगी, मतलब ये अब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। अच्छा, अब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो अब ये इसकी आउटपुट 1 थी तो ये 0 हो गई, 0 कैसे हो गई भाई, उसकी वजह ये है कि वो जो हमने G8 देखा था वो डाटा इन सीरियल इन लाइन के साथ कनेक्टेड था जहां पे आपके पास 0 प्रोवाइड था, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो आखिरी फ्लिप फ्लॉप है उसकी इनपुट 0 है, तो जैसे ये ट्रिगर आएगा वो आउटपुट 0 हो जाएगी। इसकी अब यहाँ पे Q2 की इनपुट क्या थी लेफ्ट की तरफ, जो Q3 की इनपुट थी वो ये 1 यहाँ पे आ गया। ठीक है, Q1 की इनपुट क्या थी, जो इसकी इनपुट थी वो यहाँ आ गया, इस तरह ये 0 यहाँ चला गया। नेक्स्ट लेफ्ट पे जाएंगे फिर ये नीचे से, पहले वाले को आपने हमेशा 0 पुट कर देना है
और पिछले वाले को अगले की आउटपुट बना देना। पहले वाले को आपने इसमें यहाँ जीरो पुट कर दिया, ये वाला जीरो यहाँ क्यू टू पे आ गया, क्यू टू वाला वन जो है वो क्यू वन पे आ गया, क्यू वन वाला वन जो है वो क्यू नॉट पे आ गया। ठीक है, आगे फिर आपके पास लेफ्ट शिफ्ट है, फिर क्या करें, फिर इसको जीरो रखें पहले क्यू थ्री को, क्योंकि बाहर से सीरियल इन डाटा आ रहा है वो जीरो है। तो ये जो जीरो है पिछले वाला, ये यहाँ पुट कर दें, ये जीरो यहाँ पुट कर दें, ये वन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब इस ट्रिगर से पहले आपके पास ये इनपुट चेंज हो गई और आप अब आपने राइट शिफ्ट करना, और राइट शिफ्ट क्या होगा, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। इस ट्रिगर से पहले आपके पास क्यू नॉट वन है तो ये क्यू वन वन हो जाएगा, ये जीरो यहाँ पे आ जाएगा, ये जीरो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे जब दूसरे आगे में जाएंगे तो इसको जाहिर है वो बाहर से मिला था, अब फिर इसको बाहर से डाटा लाइन मिलेगी, वो जीरो होगा, ये जीरो यहाँ पे आ जाएगा, ये वन यहाँ पे आ जाएगा, ये जीरो यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपके पास ये लेफ्ट एनेबल हो गया, जब लेफ्ट एनेबल हो गया तो आप जो सबसे आखिरी क्यू थ्री उस पर जीरो लगा दें, क्यू थ्री को ये वाला जो प्रीवियस क्यू थ्री था उसको यहाँ क्यू टू पे शिफ्ट कर दें, प्रीवियस क्यू टू को क्यू वन पे शिफ्ट कर दें, प्रीवियस क्यू वन को यहाँ पे जीरो पे शिफ्ट कर दें। फिर जब इस ट्रिगर के बाद आएंगे क्यू थ्री पे जीरो लगाएं, प्रीवियस क्यू थ्री को क्यू टू बना दें, प्रीवियस क्यू टू को क्यू वन बना दें, प्रीवियस क्यू वन को क्यू नॉट बना दें। इस तरह आपके पास ये डायग्राम जो है वो शिफ्ट करती चली जाएगी। कभी आपके पास राइट में ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्टिंग करनी है, जबकि लेफ्ट में आपने नीचे से ये नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्टिंग करनी है, लेकिन डायगोनल में करनी है। ठीक है जी, तो ये आपके पास है बाई डायरेक्शनल शिफ्ट।